दोस्तों, पानी में चलते एक से बढ़कर एक शानदार जहाज तो आपने देखे होंगे। कुछ जहाज तो इतने बड़े और खूबसूरत होते हैं कि उनसे नजर ही नहीं हटती। इन शिप्स में बैठना बहुत से लोगों का ख्वाब होता है। इनका साइज इतना बड़ा होता है कि पूरे का पूरा शहर उनमें समा जाए। तो ऐसे में इन्हें देखकर हम सबके दिमाग में कई तरह के सवाल आते हैं, जैसे कि ये बनते कैसे होंगे, इतने बड़े जहाज को पानी में कैसे उतारते हैं, और सबसे जरूरी बात, जब एक कील पानी में डूब जाती है तो ये इतने बड़े जहाज पानी में डूबते क्यों नहीं। आज इस वीडियो में हम आपके तमाम सवालों के जवाब देने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये बड़े जहाज बनते कैसे हैं। अगर हम एक बड़े आलिशान जहाज को देखें तो साइज देखकर ही समझ में आ जाता है कि इसको बनाने में हजारों वर्कर्स लगते हैं, जो एक जहाज को बनाने में लगभग 2 से 3 साल का समय लगाते हैं। इसका वजन भी 1,00,000 टन से ज्यादा होता है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि ये क्रूज शिप पर लगभग 8 से 8,500 लोग एक साथ सफर कर सकते हैं। वैसे कई कंपनीज है जो ये बड़े बड़े जहाज बनाती है, जैसे हुंडई हैवी इंडस्ट्रीज, सैमसंग हैवी इंडस्ट्रीज, मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज, एसटीएक्स शिप बिल्डिंग, और इसके अलावा भी कई कंपनी है जो ये बड़े बड़े जहाज बनाती है। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे इतने बड़े बड़े जहाज बनाए जाते हैं। सबसे पहले तो इतने बड़े जहाज को कहां बनाया जाए, क्योंकि अगर समंदर से दूर बनाया जाए तो फिर इतने बड़े शिप को समंदर में ट्रांसपोर्ट करने में दिक्कत आ सकती है और एक शॉट में अरबों का नुकसान हो जाएगा। इसलिए इसे समंदर के किनारे पर पहले जहाज के लिए बड़ा स्पेस बनाया जाता है और फिर उसमें से तमाम पानी को निकाल दिया जाता है। फिर जमीन पर छोटे छोटे ब्लॉक्स रख दिए जाते हैं और उनके ऊपर तैयार किया जाता है शिप का बेस, जिसके ऊपर खड़ा किया जाता है 8 मंजिल का शानदार जहाज। जहाज का ये बेस हार्ड स्टील से तैयार किया जाता है। वैसे तो पूरा जहाज ही स्टील का होता है, लेकिन बेस का मटेरियल ऊपर के मटेरियल से थोड़ा हैवी होता है। स्टील का मटेरियल यूज करने की वजह से ये भी है कि समंदर के खारे पानी से लोहे या किसी और मटेरियल के खराब और कमजोर होने की संभावना रहती है, और जो कि बेस पर सब कुछ डिपेंड करता है। तो पहले स्टील की मोटी चादर से बेस बनाया जाता है और फिर दोबारा उसके ऊपर स्टील की रॉड वेल्ड की जाती है और फिर उसके ऊपर से स्टील की प्लेट लगाई जाती है, जिससे बेस फ्लोर या यूं कहे कि नीव तैयार की जाती है। फिर स्टील शीट से ही जहाज की दीवारें बनाई जाती है और उसी से फिर कमरे, गैलरी, लॉबी जैसे स्पेस का बेसिक स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। इसी तरह एक एक करके स्टील की चादर और रोड से शिप से सारे फ्लोर और शिप का पूरा ढांचा तैयार किया जाता है। उसके बाद शुरू होता है जहाज के अंदर का काम। शिप के अंदर स्टील की सीलिंग बनाकर छत तैयार की जाती है। फिर पूरे जहाज के अंदर वायरिंग की जाती है। लकड़ी और शीशे से जहाज के अंदर कमरे तैयार किए जाते हैं। यानी अब काम शुरू होता है जहाज को खूबसूरत बनाने का, जिसके लिए जहाज में वो सब कुछ बनाया जाता है जिसकी आपको जरूरत पड़ती है। शिप को बनाने में लग्जरी का भी पूरा ख्याल रखा जाता है और साथ ही शिप के इंजीनियर आपकी सेफ्टी का भी पूरा ख्याल रखते हुए शिप को बनाते हैं। शिप का इंटीरियर इतना खूबसूरत होता है कि हर कोई देखता ही रह जाए। शिप के अंदर शानदार बेडरूम, बाथरूम, किचन, गैलरी, लॉबी, पूल, जिम, कैसीनो, हॉस्पिटल, यहाँ तक कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तक इतने दिलकश होते हैं कि देखने वाला पहली नजर में दीवाना हो जाए। कुल मिलाकर एक आलिशान क्रूज में वो हर चीज बनाई जाती है जो आपको किसी खूबसूरत जगह में मिलेगी। और जब ये शानदार क्रूज बनकर तैयार हो जाता है तो इसके वेंटिलेशन के लिए शीशे का बड़ा सा जाल तैयार किया जाता है, जो शिप से बाहर तैयार होता है और बाद में उसे बड़े बड़े क्रेन की मदद से जहाज में फिट कर दिया जाता है। इसके बाद जहाज में इंजिन और ब्रॉन्ज का प्रोपेलर लगाया जाता है। ब्रॉन्ज का प्रोपेलर लगाने की वजह यह है कि ब्रॉन्ज एल्युमिनियम और सिलिकॉन का एलॉय होता है, क्योंकि ये एलॉय खारे पानी में जंग नहीं पकड़ता। ये प्रोपेलर जितनी तेज घूमेगा शिप उतना ही तेज चलेगा, इसीलिए कई बड़े शिप में एक से ज्यादा प्रोपेलर भी लगाए जाते हैं। उसके बाद जहाज की बॉडी पर जंग रोधक केमिकल लगाया जाता है ताकि समंदर के खारे पानी से जहाज को जंग ना लगे
और फिर उसके ऊपर से जहाज पर प्रॉपर पेंट किया जाता है। उसके बाद जहाज को टेस्टिंग के लिए पानी में उतारा जाता है। टेस्टिंग के बाद जहाज को वापस वहीं पर लाया जाता है और जहाज में जो भी कमी मिलती है उसे ठीक किया जाता है। सारा काम ओके होने के बाद जहाज पर डिजाइन और लोगो बनाया जाता है और इस तरह एक शिप बनकर तैयार हो जाता है। अब सवाल यह आता है कि इतने बड़े जहाज को पानी में कैसे उतारते हैं, तो चलिए देखते हैं कि कैसे इन बड़े बड़े जहाजों को पानी में उतारा जाता है। जहाजों को समंदर में तीन तरीकों से उतारा जाता है, जिसमें सबसे पहला है ग्रेविटेशनल टाइप लॉन्चिंग। इस तरीके में जहाज को समुद्र के किनारे लाकर ट्रेन की पटरी जैसे स्ट्रक्चर पर सेट किया जाता है। फिर इस सेट की ऑयलिंग और ग्रीसिंग की जाती है ताकि फ्रिक्शन को कम किया जा सके और जहाज आसानी से फिसल कर समुद्र में चला जाए। ऑयलिंग के बाद जहाज को सेट पर रखा जाता है और फिर जहाज फिसलते हुए पानी में चला जाता है। इसको ग्रेविटेशनल टाइप लॉन्चिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर जब जहाज को सेट पर रखा जाता है उसके बाद शिप की लॉन्चिंग का काम ग्रेविटी खुद करती है। हालांकि जब ऑयल और ग्रीस पर फिसलते हुए जहाज पानी में जाता है तो जहाज के साथ अच्छा खासा ऑयल और ग्रीस समंदर में चला जाता है, जिससे समुद्र में काफी पॉल्यूशन फैलता है। अब हम बात करते हैं एयर बैग लॉन्चिंग के बारे में। यह है शिप लॉन्चिंग का सबसे सिंपल तरीका, जिसमें सिलेंडर जैसे बड़े बड़े एयर बैग पर जहाज को रखा जाता है और उसे पानी में छोड़ दिया जाता है। मैकेनिकल टाइप लॉन्चिंग। दोस्तों, अब तक हमने जितने भी तरीके देखे ये उनमें सबसे खतरनाक है और इसी वजह से इस तरीके से बड़े जहाजों को पानी में नहीं उतारा जाता है, क्योंकि उनके डूबने का खतरा ज्यादा होता है। इस तरीके में किसी मशीन की मदद से जहाज को उठाया जाता है और पानी में रखा जाता है। अब आप समझ ही गए होंगे कि सिर्फ छोटे जहाजों के लिए ही ये तरीका कारगर है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि बड़े बड़े जहाज बनते कैसे हैं और बनने के बाद पानी में कैसे उतारते हैं। लेकिन जब एक छोटी सी कील पानी में डूब जाती है तो ये बड़े बड़े जहाज पानी में तैरते कैसे है। ग्रेविटेशनल की वजह से हर चीज धरती की तरफ आती है और इसी वजह से पानी में कील, गेंद या कोई भी चीज डूबती है। लेकिन फिर शिप क्यों नहीं डूबते? दोस्तों, यहाँ पर काम आता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जो ये कहता है कि जो भी चीज हम पानी पर डालते हैं जितना उसका वजन होता है उतना ही पानी वह सतह से हटाती है। अब दूसरी चीज ये है कि जब कोई भी चीज पानी में जाती है तो उसका वजन कम होना शुरू हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो उस चीज को नीचे खींच रहा है, पर एक दूसरा फोर्स जिसे हम बॉयन फोर्स कहते हैं वह उसे ऊपर धकेल रहा है। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ चीजें पहले तो पानी में डूब जाती है पर फिर वो ऊपर आ जाती है, ऐसा बॉयन फोर्स की वजह से होता है। इसके अलावा कोई चीज अगर अंदर से खाली हो तो वो भी पानी में तैरने लगती है। अब यहाँ पर काम करती है डेंसिटी। ज्यादातर जो जहाज होते हैं वो साइज में तो बहुत बड़े होते हैं पर साइज के मुकाबले वजन बहुत कम होता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि जहाज एल्यूमिनियम से बनते हैं जो कि बहुत हल्की धातु होती है। जहाज को इस तरह बनाया जाता है कि उसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होती है और नीचे वाला हिस्सा बिल्कुल खाली होता है और वह अपने वजन के मुकाबले अपने आकार के हिसाब से कम पानी हटाता है और पानी में तैरने लगता है। आसान तौर पर समझने के लिए आप एक ही आकार की दो गेंद लीजिए, एक लोहे की और एक दूसरी रबर की। जहां लोहे की गेंद में लगभग आधा से एक किलो वजन होगा तो वही रबर की गेंद खाली होगी और उसमें 200 से 250 ग्राम वजन होता है और इसलिए जो रबर की गेंद होती है वह कम पानी को सतह से हटाती है और पानी के ऊपर तैरती है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि जहाज पानी में डूबते क्यों नहीं। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा और ऐसी ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।